नमस्कार, सिंपल कुक विद राधा में आप लोग का स्वागत है। कृष्णा जन्माष्टमी के अवसर पे आज बनाने वाली हूँ मैं मखाना ड्राई फ्रूट पंजीरी। तो फिर चलिए ट्राई करते हैं फ्रेंड्स। चलिए आज बनाते हैं ड्राई मखाना पंजीरी। देखिए, ड्राई फ्रूट मखाना पंजीरी बनाने के लिए मैं मखाना ले ली हूँ 50 ग्राम, और 4 चम्मच मैं ले ली हूँ नारियल। इसे मैं कद्दूकस पहले कर ली थी। थोड़ा सा मैं अखरोट ले ली हूँ, थोड़ा सा किशमिश और थोड़ा सा बादाम ले ली हूँ, और मैं थोड़ा सा गुड़ का बुरादा ले ली हूँ। ये गुड़ है, आप इसके बदले चीनी भी डाल सकती हैं। थोड़ा सा मैं गेहूं का आटा ले ली हूँ, और 1 चम्मच मैं पिसा हुआ ले ली हूँ इलायची पाउडर। अब चलिए चलते हैं कढ़ाई के पास, गैस पे जा करके अब इसे तैयार करते हैं। चलिए, कढ़ाई को गैस पे बैठा दी हूँ, गैस को मैं ऑन करती हूँ। अब इसमें घी डाल देते हैं। थोड़ा सा घी का क्वांटिटी ज्यादा रहना चाहिए, तब ये पंजीरी बहुत बढ़िया होगा। पहले मैं मखाना को फ्राई करूंगी। घी गर्म हो गया है, अब मखाने को इसमें मैं डाल दूंगी। डाल करके इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहिए, ये क्रिस्प हो जाएगा। जब ये क्रिस्प हो जाएगा तो निकाल करके, और फिर दूसरे जो ड्राई फ्रूट हैं वो सारे को ऐसे ही बारी बारी करके भून लेना है। मखाना क्रिस्प हो गया है, अब चलिए इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर दे रही हूँ। आप मखाना की जगह मूंगफली के दाने भी ले करके भून करके डाल सकती हैं। अब फिर इसमें 1 चम्मच में घी डालूंगी। अब इसमें मैं डाल दूंगी अखरोट को, इसमें डाल दूंगी बादाम को भी। दोनों एक साथ इसे फ्राई कर लेना है। 1 मिनट तक दोनों को फ्राई कर लीजिए। तो धीरे धीरे, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसे ऑल पर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। मैं नए नए रेसिपी डालती रहती हूँ, आप लोग उसको घर में ट्राई करते रहिए। दोनों चीज को देखिए मैं भून ली। अब इसको भी इसी बाउल में मैं डाल दूंगी धीरे से। फिर मैं इसी कढ़ाई को चढ़ा करके जो मैं आटे ली हूँ उसको भून लूंगी। आटे में थोड़ा घी का क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए तो बढ़िया होगा। अब चलिए, जो गेहूं के आटे ली हूँ इसको डाल करके इसमें खूब बढ़िया खुशबू जब तक ना आए तब तक भूनते रहिए और चलाते रहिए इसे धीरे धीरे करके। छोड़ने पर नीचे तले में लग जाएगा, इसीलिए इसका ध्यान रखिए, आप लोग चलाते रहिए ऐसे जब इसको भूनिए तो। देखिए, आटे भून गया है, ब्राउन हो गया। अब गैस के ऑफ कर दे रही हूँ, लेकिन अभी इस पे चलाते रहिए। कढ़ाई बहुत गर्म है, अभी नीचे देखिए हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है, ऐसे छोड़ देने पे ही जल जाएगा नीचे में, इसीलिए गैस ऑफ होने के 1 मिनट तक लगातार आप लोग चलाते रहिए। ये काफी बढ़िया, थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो तभी गैस को बंद कर दीजिए, और गैस ऑफ होने के 1 मिनट तक ऐसे चलाते रहिए। खूब बढ़िया सुन हो जाएगा ये ब्राउन, खूब बढ़िया भून करके देखिए। अब इसी आटे में मैं ये नारियल डाल दूंगी, क्योंकि आटा बहुत गर्म है, और किशमिश को भी डाल दूंगी। ये हल्का हल्का इसी में सिक जाएगा, अब इसे अलग से भूनने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसी धीरे धीरे करके इसे सिकने दीजिए। चलिए, तब तक मखाना और ड्राई फ्रूट जितना है सबको एक मिक्सर के जार में हल्का क्रश कर लेते हैं। के जार ली हूँ, इसको सबको डाल करके इसको बारी बारी से लगातार, मिक्सर को मत घुमाइए, धीरे से धीरे धीरे करके, और 1 मिनट तक इसे चलिए क्रश कर लेते हैं। चलिए, एक बाउल ले लीजिए पूरा ड्राई फ्रूट के, मैं इसी में डाल दूंगी। देखिए, बिल्कुल पाउडर नहीं करना है, ऐसे ही दरदरा इसको पीस लेना है। अब इसी में जितना है कढ़ाई में आटे, और उसमें नारियल का बुरादा भी है, और इसमें किशमिश है, उसको भी इसी में मैं ट्रांसफर कर लूंगी धीरे धीरे करके सारे को। अब इसमें मैं ये गुड़ को डाल दूंगी। गुड़ से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, इसीलिए आप लोग गुड़ से ही ट्राई करें। ये कृष्णा को बहुत प्यारा है ये पंजीरी। हमारे यहाँ कृष्णा जन्माष्टमी ऐसे ही बनता है, आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग की तरफ कृष्णा जन्माष्टमी पे कैसे पंजीरी बनता है। इसको
इसको आराम से मिक्स कर लीजिए। ये आप घर में ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत हेल्दी और टेस्टी भी होता है क्योंकि इसमें सारे ड्राई फ्रूट हैं, मखाने में तो बहुत। ये लीजिए तैयार हो गया ये पंजीरी। अब चलिए मैं मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स।